हिमाचल सीएम सुक्खू तिरुपति का आशीर्वाद लेने हैदराबाद गए, पॉलिटिकल मीटिंग के कारण आज नहीं हो पाए दर्शन। अब शनिवार को मंदिर में माथा टेकेंगे सीएम सुक्खू, उसके बाद लौटेंगे शिमला। इस दिन लग सकती है लोकसभा सीटों पर मोहर, कांग्रेस के लोकसभा सीटों पर ऐलान का हो रहा है इंतजार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैदराबाद में हैं। उनका शुक्रवार को तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन का प्रोग्राम था, मगर हैदराबाद में एक पॉलिटिकल मीटिंग की वजह से सीएम ने शाम 6:30 बजे तक दर्शन नहीं किए। बताया जा रहा है कि सीएम अब शनिवार सुबह तिरुपति बालाजी के दर्शन कर शिमला लौटेंगे। बालाजी के आशीर्वाद के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। कांग्रेस ने प्रदेश में अब तक एक भी लोकसभा और विधानसभा सीट पर प्रत्याशी तय नहीं किया है, जबकि बीजेपी चारों लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। कुटलहड़ में सीएम की पहली चुनावी जनसभा की तैयारी। कांग्रेस सीएम सुक्खू की ऊना जिला की कुटलहड़ विधानसभा सीट पर पहली चुनावी रैली करवाने की तैयारी है। सूत्र बताते हैं कि कुटलहड़ के बंगाणा में मुख्यमंत्री की पहली चुनावी रैली 3-4 दिन के भीतर हो सकती है। यहां मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूकेंगे। दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। बंगाणा में चुनावी रैली के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली जाएंगे। हालांकि अभी उनका आधिकारिक प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन वह 5 अप्रैल को दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है। इससे प्रदेश की चारों लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर फैसला संभावित है। बड़े नेताओं के कार्यक्रम हो रहे हैं तय। कांग्रेस मुख्यालय शिमला में प्रदेश के दिग्गज नेताओं सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री आदि के बड़े कार्यक्रम कराने की तैयारी हो रही है। प्रदेश में आखिरी चरण में चुनाव है, इसलिए अभी केंद्रीय नेताओं की रैली नहीं होगी। अप्रैल के आखिरी सप्ताह और मई में केंद्रीय नेता प्रदेश आएंगे।